हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेरेंडिपिटी। आई होप आप सब घर में हैं और सेफ हैं और मेरे वीडियोस को देख के एंजॉय भी कर रहे हैं। आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सी फिश की रेसिपी। उसको जानने के लिए आगे देखते रहिए। मैंने एक नॉनस्टिक पैन में तेल रख के उसको गर्म करने छोड़ दिया है। फ्रेश वाटर फिश रहू के सिर को दो भाग में काट के नमक और हल्दी एक एक चम्मच डाल के मैंने मैरिनेट करने रख दिया है। आप मैरिनेशन 10 से 15 मिनट करके रखेंगे, उसके बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे। हमको पूरी तरह से इन हेड्स को डीप फ्राई कर लेना है। अभी एक पैन को मैंने लो फ्लेम में रख के मैंने इसमें 4 चम्मच घी डाल लिया है। ध्यान रहे ये लो फ्लेम में ही रहना चाहिए सो दैट ये घी ना जल जाए। अभी हम इसमें ग्रेटेड जिंजर डालेंगे यानी कि अदरक। अभी चॉप्ड प्याज डालेंगे, अनियन, मैंने यहाँ पे एक ही अनियन यूज किया है बड़े साइज का। भी अच्छे से हम इसको सॉटे कर लेंगे। अच्छे से पक जाने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 बे लीव्स, 2 लाल मिर्च, दालचीनी, चार पांच लौंग, ब्लैक पेपर। अब हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे। अब मैं डाल दूंगी कटे हुए आलू, मैंने एक आलू यूज किया है बड़े साइज का। अब इनको अच्छे से हम सॉटे करेंगे। अब मैं डालूंगी टमाटर, यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज का टमाटर यूज किया है और अब हम इसको अच्छे से सॉटे कर लेंगे। अब बीच में थोड़ा सा स्पेस बना के इसमें हम शाही जीरा डाल देंगे। फिर हम इनको अच्छे से सॉटे कर लेंगे। अब डाल देंगे हम 2 चम्मच हल्दी, ये 1 चम्मच डाल लिया है। अब मैं 1 और चम्मच डालूंगी। अब 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच अच्छे से एक बार सॉटे कर लेंगे। अच्छे से सॉटे करने के बाद हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में ढक देंगे। एक मुट्ठी बासमती राइस मैंने पानी में छोड़ दिया था सोक करने के लिए 15 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं टूट रहा है अच्छे से। अब हम राइस के साथ जो पानी है इन सबको एक साथ डाल देंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स में और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से सॉटे करेंगे आप इसको। पानी मैंने इसमें ओनली 1/2 बोल लिया है। वाटर एंड राइस सेम क्वांटिटी का लेना है जो मैंने मेंशन किया है।
अब इसको हम ढक के रख देंगे। अब मैंने लीड हटा दिया है, आप देख सकते हैं मैंने इसको 10 मिनट के लिए पका लिया है लो फ्लेम में। राइस अभी हल्का सा कच्चा है, हम फिर से थोड़ा अच्छे से इसको सॉटे कर लेंगे। आप देखेंगे सॉटे करते टाइम कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। आप चाहें तो इसमें 2 इलायची भी यूज़ कर सकते हैं, बड़ी वाली। देखिए कितना सुंदर रंग खिल के आया है इसका। ध्यान रखिएगा कि राइस पूरी तरह से पक ना जाए, हल्का सा कच्चा रहेगा यहाँ पे। अब मैं डालूंगी 1 चम्मच जितना चीनी, ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। फिर हम इसको अच्छे से सॉटे करेंगे सो दैट सारे इंग्रेडिएंट्स फिर से मिक्स हो जाएं अच्छे से। अब मैं डालूंगी 2 चम्मच घी। दो चम्मच घी डालने के बाद हम इसको एक बार फिर अच्छे से सॉटे कर लेंगे। बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया से खुशबू आने लगी है। ये जो फिश के हेड्स हैं ये डीप फ्राई होकर एकदम तैयार है। अभी हम पैन के बीच में थोड़ा सा गैप बनाएंगे और इस पेस्ट में हम एक एक करके मछलियों के सिर को प्लेस करेंगे और इस प्रकार से स्पैटुला के मदद से हम इसको तोड़ेंगे जितना छोटा हम इसको कर सकते हैं। ध्यान रहे कि यहाँ पे जो फिश आपने फ्राई किया है अच्छे से डीप फ्राई हो चुका है। दोनों फिश हेड्स को मैंने काट के अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। ये जो रेड एंड येलो का कॉम्बिनेशन है, हाँ बड़ा टेस्टी लगता है। अब मैं डालूंगी इसमें 2 हरी मिर्च। अब मैं एक आधा नींबू लेके इसको अच्छे से स्क्वीज कर लूंगी। अब मैं डाल दी है 1 चुटकी हींग। हींग के डालते एकदम मजेदार से खुशबू आ रही है, रंग भी बड़ा सुंदर खिल के आया है, खुशबू भी मजेदार है। पेट में तो चूहे दौड़ने लग गए हैं मेरे। इसको हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे। अब हम इसको 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में ढक के रख देंगे। एकदम तैयार है ये बनके। मैंने इसको एक सर्विंग बोल में भी ट्रांसफ़र कर लिया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, खुशबू तो बहुत अमेजिंग सी आ रही है, एकदम बढ़िया सी घी की खुशबू आ रही है। आप ज़रूर घर में इसको बनाइए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। मैं मानती हूँ अभी लॉकडाउन की वजह से हम में से कोई भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, बट किसी कारण अगर आपको मार्केट से या फिर कहीं से भी रोहू या कतला या कोई भी मीठे पानी की मच्छी मिल जाए तो मेरे इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ अब। बाय।